students, we were studying Intel 8085 instructions, and in 8085 instructions there are several groups of instructions, and out of those groups we have studied data transfer group instructions. In which the instructions related to the movement of the content of registers were studied, like जैसे हम लोगों ने MOV instruction study किया, MVI instruction study किया, या load and store की instruction study किया, तो ये सारी instructions जो थी ये data transfer group में थी. And आफ्टर डेटा ट्रांसफर ग्रुप इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने जो नेक्स्ट ग्रुप स्टडी किया था वो ग्रुप था अर्थमेटिक ग्रुप. अर्थमेटिक ग्रुप में हम लोगों ने जो इंस्ट्रक्शन स्टडी किया है वो इंस्ट्रक्शंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस थी. एंड आफ्टर दिस अर्थमेटिक ग्रुप हम लोगों ने लॉजिकल इंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी, जो कि लॉजिकल ग्रुप में है. एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में हम लोग जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एंड हो गया, और हो गया, एक्सऑर हो गया, या कॉम्प्लीमेंट हो गया, कंपेयर हो गया, रोटेट हो गया, तो इस तरह की इंस्ट्रक्शंस हमारी ये लॉजिकल ग्रुप में थी. तो लॉजिकल ग्रुप में हम लोगों ने कुछ इंस्ट्रक्शन स्टडी की थी, एंड रेस्ट इंस्ट्रक्शंस को हम लोगों को स्टडी करना था. Let us start with the remaining instructions of logical group. So, and or operation जो हम लोगों ने study कर लिए थे, थोड़ा थोड़ा सा discuss कर लेते हैं and or XOR operations को भी. तो sorry. जो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं ये मतलब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है लॉजिकल ग्रुप के इंस्ट्रक्शंस में वो ये है कि जैसे कि हम एंड और या एक्सऑर ऑपरेशन कोई भी ऑपरेशन में से कर रहे हैं, तो ये ऑपरेशंस में दो डेटास की रिक्वायरमेंट है जिसमें से एक डेटा एक्यूमुलेटर का ही डेटा होगा, ये फिक्स है. जैसे हम लोगों ने अर्थमेटिक में भी देखा था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग कर रहे थे, तो ऑलवेज एक्यूमुलेटर जो है वो कॉमन रजिस्टर था इन ईच इंस्ट्रक्शन. सेम थिंग इज हेयर ऑल्सो कि जो एंड ऑपरेशन है उसमें भी हम एक रजिस्टर एक्यूमुलेटर यूज करेंगे, एंड जो सेकेंड होगा ये वेरी करेगा, ये हमारा कोई रजिस्टर भी हो सकता है, जनरल पर्पस रजिस्टर या किसी रजिस्टर में डेटा स्टोर हो सकता है, या फिर हम मेमोरी के डेटा को भी एक्यूमुलेटर से एंड कर सकते हैं, या हम इमीडिएट डेटा के साथ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस डेटा से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तीन टाइप्स की इंस्ट्रक्शन है. जब हम रजिस्टर के साथ एंड ऑपरेशन कर रहे हैं एक्यूमुलेटर का, तो ए एल ए स्पेस आर, एंड यहीं पर जब रजिस्टर का डेटा ना हो करके हम मेमोरी से डेटा ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम कैपिटल एम का यूटिलाइजेशन करते हैं. एंड व्हेन हमें इमीडिएट डेटा का एंड ऑपरेशन करना है एक्यूमुलेटर के साथ में, तो हम ए एन आई स्पेस डेटा, तो यहाँ पर हमारे पास में 8 बिट का डेटा गिवन होता है, तो हम इस डेटा को यूज करते हैं. एंड जैसे ये एंड ऑपरेशन हो रहा है, बिल्कुल सिमिलर और ऑपरेशन भी वर्क करता है. इंस्ट्रक्शन का जो निमोनिक है वो चेंज हो जा रहा है, ओ आर ए, इसके साथ में आर यूज हुआ, इसके साथ में एम यूज हुआ, एंड इसके साथ में इमीडिएट डेटा यूज हुआ, ओ आर आई इमीडिएट डेटा. तो सेम जैसे और ऑपरेशन एंड ऑपरेशन हो रहा था, सेम उसी तरह से और ऑपरेशन हो रहा है. तीन इंस्ट्रक्शंस एंड की हैं, उसी तरह से तीन इंस्ट्रक्शंस और ऑपरेट कैसे करता है, और ऑपरेशन लॉजिकल ऑपरेशन वो हमने आपको बताया था कि
इफ वी आर टेकिंग टू डेटास, तो आइदर ऑफ द डेटा इज वन, देन जो आउटपुट होगा वो वन आ जाएगा, रिजल्ट वन आएगा. तो अगर हमारे पास में 8-8 बिट के दो कंटेंट्स हैं और हम वन बाई वन एक एक कंटेंट को कंपेयर कर रहे हैं, तो एक कोई भी एक बिट दोनों में से अगर वन है तो जो रिजल्ट आएगा वो वन ही आएगा. अगर दोनों बिट जीरो है तभी जो रिजल्ट आएगा वो जीरो आएगा, अदरवाइज वन आएगा. तो ये लॉजिकल ऑपरेशन यहाँ पर एंड हो गया, और हो गया. एंड जो नेक्स्ट आएगा वो है एक्सऑर ऑपरेशन. तो एक्सऑर ऑपरेशन में भी अगेन जैसे प्रीवियस केस में थे, तीन ऑपरेशन होंगे. XOR ऑपरेशन होगा रजिस्टर और एक्यूमुलेटर से, XOR ऑपरेशन होगा मेमोरी और एक्यूमुलेटर से, और XOR ऑपरेशन होगा इमीडिएट डेटा का एक्यूमुलेटर से. तो तीन ऑपरेशन तीनों में ही हो गया. यहाँ पर जो रिजल्ट है, रिजल्ट की बात करें तो जो भी ऑपरेशन होगा, चाहे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें, और ऑपरेशन परफॉर्म हो या एक्सऑर, ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट ऑलवेज एक्यूमुलेटर में ही स्टोर किया जाएगा. एंड जो फ्लैग्स की बात करते हैं, सारे फ्लैग्स यहाँ पर अफेक्ट होंगे, एज पर द रिजल्ट वो सेट या रिसेट हो जाएंगे. एड्रेसिंग मोड की बात करेंगे तो एंड और एक्सऑर तीनों ही केसेस में जब हम आर का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो इट इज़ रजिस्टर एड्रेसिंग, जब हम मेमोरी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, और जब हम इमीडिएट डेटा का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो इमीडिएट एड्रेसिंग. सिंपल. तो आप अगर कोई भी एक लॉजिकल ऑपरेशन को का याद कर लेंगे, उसको समझ लेंगे, तो ये तीनों ही ऑपरेशंस आपको याद हो जाएंगे. एंड और एक्सऑर के अलावा भी कुछ अदर लॉजिकल ऑपरेशंस भी माइक्रोप्रोसेसर 8085 में होते हैं. अब इनमें से कुछ ऑपरेशंस हैं, जैसे कि ये दो ऑपरेशंस जो हैं, ये दो ऑपरेशंस या दो इंस्ट्रक्शंस जो हैं, ये दोनों इंस्ट्रक्शंस कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड हैं. तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में जब हम CMA का यूज़ कर रहे हैं तो दिस इंस्ट्रक्शन विल कॉम्प्लीमेंट द डेटा ऑफ एक्यूमुलेटर. एंड कॉम्प्लीमेंटिंग में क्या होता है, लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्यूमुलेटर में जो डेटा स्टोर्ड है वो 110 है, तो जब हम ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे CMA, तो कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विल चेंज टू this. So while performing complement operation we change 1 to 0 and 0 to 1. So aap ye dekh rahe hain 1100 tha to ye 0011 ho gaya. Simple hai complement, bahut easy hai. Is tarah se hum complement perform karte hain. Ab the same complement instruction also execute for carry status also. मीन्स जो हमारा कैरी फ्लैग होता है, अगर हम CMC यूज़ करते हैं तो इट विल कॉम्प्लीमेंट कैरी स्टेटस. तो कैरी स्टेटस की प्रीवियस जो भी वैल्यू हो वो ये इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लीमेंट कर देगी. लाइक जैसे अगर प्रीवियस वैल्यू कैरी स्टेटस की 1 है तो इट विल बिकम 0 आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन. इफ इट वॉज 0 प्रीवियसली, देन आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ CMC कैरी फ्लैग विल बिकम. इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है. तो दो हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शंस हो गए. अब जैसे हम कैरी स्टेटस को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसी तरह से हम कैरी स्टेटस को सेट भी कर सकते हैं बाय एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन STC. STC का मतलब क्या है, सेट कैरी स्टेटस. तो व्हाटएवर बी द प्रीवियस वैल्यू ऑफ कैरी स्टेटस,
आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन कैरी फ्लैग विल सेट टू वन. अब कॉम्प्लीमेंट जिस तरह से होगी ऐसे ही कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कंपेयर इंस्ट्रक्शन है. अब कंपेयर की भी तीन इंस्ट्रक्शन है. कंपेयर में क्या होगा कि वी विल कंपेयर टू डेटाज बिकॉज कंपेरिजन विल ऑल्सो परफॉर्म बिटवीन टू डेटाज. एंड दोनों डेटाज होंगे कौन कौन से, एक डेटा एक्यूमुलेटर का ही है और जो सेकेंड डेटा है इट कैन बी अ रजिस्टर और फ्रॉम मेमोरी और इमीडिएट डेटा. तो अब तीन कंडीशंस अगेन हो गई, अगेन तीन इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी. कंपेयर इंस्ट्रक्शन में हम निमोनिक सीएमपी यूज करते हैं. अगर हमने कोई रजिस्टर यहाँ पर इंडिकेट कर दिया तो ये रजिस्टर के कंटेंट को एक्यूमुलेटर से कंपेयर करेगी इंस्ट्रक्शन. अगर हमने यहीं पर मेमोरी यूज कर लिया है, कैपिटल एम यूज किया है, तो जो कंपैरिजन परफॉर्म होगा वो एक्यूमुलेटर और मेमोरी कंटेंट जो भी होगा उसके साथ कंपैरिजन परफॉर्म होगा. एंड मेमोरी कंटेंट हमें कहाँ से पता चलेंगे, उसका एड्रेस हमें पता चलेगा एचएल रजिस्टर पेयर से. ऐसे ही जो कंपैरिजन है वो एक्यूमुलेटर और इमीडिएट डेटा का भी होता है. जो इंस्ट्रक्शन यूज होगी सीपीआई एंड स्पेस 8 बिट का डेटा गिवन होगा. तो इस तरह से 8 बिट के इमीडिएट डेटा को हम एक्यूमुलेटर से कंपेयर करेंगे. एड्रेसिंग मोड की बात करेंगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे. अगेन आर का यूटिलाइजेशन है, रजिस्टर यूज है तो रजिस्टर एड्रेसिंग. मेमोरी से कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम कॉल कर रहे हैं तो इट मींस कि इनडायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग हो रही है. एंड जब डेटा का इन्वॉल्वमेंट हो गया, इमीडिएट डेटा डायरेक्ट डेटा गिवन है इंस्ट्रक्शन में, तो इट मींस कि इमीडिएट एड्रेसिंग मोड इज यूज इन दिस इंस्ट्रक्शन. अब कंपेयर जो इंस्ट्रक्शन है, कंपेयर इंस्ट्रक्शन में कंपैरिजन किस तरह से परफॉर्म होता है, तो सिंपल है कि यहाँ पर जो कंपैरिजन परफॉर्म हो रहा है ये दोनों ही, जैसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एग्जांपल ले ले, रजिस्टर का डेटा है एक्यूमुलेटर का डेटा, तो यहाँ पर सिंपली सबट्रैक्शन परफॉर्म किया जाता है. एंड सबट्रैक्शन कैसे परफॉर्म होता है, एक्यूमुलेटर के डेटा में से रजिस्टर के डेटा को सबट्रैक्ट कर दिया जाता है. This instruction is similar to subtract instruction in arithmetic group. वहाँ पर भी हम जैसे SUB space R use करते हैं instruction, हम लोगों ने study की थी instruction SUB space R. तो this instruction will also perform accumulator data minus register data. Same चीज़ यहाँ पर भी perform हो रही है, but दो इंस्ट्रक्शंस अलग अलग यूज हो रही हैं तो देयर मस्ट बी सम डिफरेंस. एंड द डिफरेंस इज कि इन केस ऑफ सबट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन ए माइनस आर करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है दिस रिजल्ट इज सेव्ड इन एक्यूमुलेटर और जो भी फ्लैग्स होते हैं वो रिजल्ट के अकॉर्डिंग सेट या रिसेट हो जाते हैं. बट इन केस ऑफ कंपेयर इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ए माइनस आर बट द रिजल्ट इज डिस्कार्डेड. रिजल्ट को हम कहीं भी स्टोर करके नहीं रखते हैं एंड एक्यूमुलेटर और रजिस्टर के कंटेंट्स अनचेंज्ड रह जाते हैं. बट वन मोर सिमिलैरिटी क्या है कि जो फ्लैग्स हैं, फ्लैग्स सेट या रिसेट होते हैं. मीन्स कि हमने यहाँ पर सबट्रैक्शन परफॉर्म कर लिया और रिजल्ट को भी डिस्कार्ड कर दिया तो इस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने का यूज क्या है. यूज यहां पर है कि जो फ्लैग्स होंगे फ्लैग्स विल बी सेट अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ द सबट्रैक्शन. सॉरी, और रिजल्ट को हमें कहीं नहीं स्टोर करना है. तो इस तरह से ये कंपैरिजन यहां पर परफॉर्म होता है. तो सेम जो चीज यहां पर है सेम चीज यहां पे मेमोरी के साथ होगी, सेम चीज इमीडिएट डेटा के साथ होगी. रिजल्ट जो डिस्कार्ड, रिजल्ट तीनों ही केसेस में डिस्कार्ड होगा एंड जो फ्लैग्स होंगे वो तीनों ही केसेस में अफेक्ट होंगे. एज पर द रिजल्ट दे विल बी सेट और रिसेट. तो ये तीन कंपैरिजन की इंस्ट्रक्शन हो गई कि कंपैरिजन कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. कंपैरिजन के बाद फिर हम लोग रोटेट इंस्ट्रक्शन स्टडी करेंगे. इसमें हम रोटेशन का मेथड देखेंगे कि किस तरह से रोटेशन होता है डेटा का.
तो रोटेशन में अगेन एक्यूमुलेटर का ही इन्वॉल्वमेंट है, और जो डेटा का रोटेशन होगा वो एक्यूमुलेटर में ही होगा, आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड में हम रोटेट करेंगे डेटा। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज आरएलसी, एल मीन्स की हम एक्यूमुलेटर को लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहे हैं, और सेकेंड इंस्ट्रक्शन जो है वो आरआरसी है, हम एक्यूमुलेटर के डेटा को राइट साइड में रोटेट कर रहे हैं। अब इस रोटेशन के ऑपरेशन को समझने के लिए वी विल सी दिस डायग्राम। तो इन दिस डायग्राम जो डेटा है उसे हमें लेफ्ट साइड में रोटेट करना है। तो ये जो डेटा है ए नॉट पोजिशन, इट विल बी मूव टू दिस पोजिशन, this data will be moved to this position, this data will be moved to this position and so on. तो इस तरह से जो डेटा है, डेटा का मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, लेफ्ट साइड में हम डेटा को मूव कर रहे हैं। एंड जो लास्ट बिट होगी ये सेवेंथ, दिस बिट विल गो टू कैरी स्टेटस एज वेल एज इट विल गो टू द ए नॉट ऑल्सो, बिकॉज ए नॉट तो एम्प्टी हो गया, यहाँ से इधर ट्रांसफर हो गया, तो जो लास्ट बिट होगी वो वापस से ए नॉट पर आ जाएगी एंड इट विल ऑल्सो गो टू द कैरी स्टेटस। तो ये तो हो गया रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट। अब सिमिलर ऑपरेशन है, हम राइट साइड में भी डेटा को रोटेट कर देंगे। राइट साइड में मूवमेंट में क्या होगा, ये मूवमेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, एंड जब हम इस तरह से मूवमेंट करेंगे तो जो ए नॉट की वैल्यू होगी ये कहां जाएगी, इन दोनों जगह, सेवेंथ पोजीशन पर भी और कैरी स्टेटस में, ये ए नॉट की वैल्यू। बाकी जो रोटेशन है वो राइट साइड में हो ही रहा है, एक एक बिट शिफ्ट होती जाती है, शिफ्ट हो जाता है पूरा कंप्लीट डेटा। अब यही जो हम लोगों ने रोटेशन स्टडी किया है, ये रोटेशन थ्रू कैरी भी होता है, मींस कि हम इस कैरी स्टेटस को भी एज अ पार्ट ऑफ एक्यूमुलेटर अगर कंसीडर करें, तो अगेन दो इंस्ट्रक्शंस हो जाएंगी, एक इंस्ट्रक्शन हो जाएगी आर ए एल और एक हो जाएगी आर ए आर। आर ए एल में क्या होगा, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट थ्रू कैरी, और यहाँ पर राइट थ्रू कैरी। तो थ्रू कैरी में क्या है, देखिए हमने कैरी को भी एज अ पार्ट ऑफ नेक्स्ट बिट ले लिया है, एज अ पार्ट ऑफ एक्यूमुलेटर ले लिया। तो जैसे लेफ्ट साइड में मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट की डायरेक्शन, तो डेटा मूव होगा सेवेंथ बिट का डेटा, प्रीवियस केस में क्या हो रहा था, यही डेटा ए नॉट पे जा रहा था और यही डेटा सी एस पे जा रहा था, बट जब हम थ्रू कैरी परफॉर्म करेंगे तो दिस सेवेंथ बिट डेटा विल गो टू सी एस एंड सी एस का जो डेटा होगा इट विल गो टू द ए नॉट पोजिशन। थ्रू कैरी का यही मतलब है कि हम कैरी स्टेटस को भी एज अ नेक्स्ट बिट ऑफ एक्यूमुलेटर अज्यूम कर लेते हैं एंड थ्रू कैरी मूवमेंट हो जाता है, एंड सेम विल happen to rotate accumulator right through carry. तो in this case क्या होगा, हम क्योंकि इस तरह से right side में data का movement कर रहे हैं तो carry status का जो data होगा it will move to the seventh position and जो a not का data होगा it will go to the carry status position. इस तरह से movement हो जाएगी, तो हर एक का जो bit होगी bit change हो जाएगी। यहाँ पर हमारे लॉजिकल ग्रुप की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। किसी इंस्ट्रक्शन के फंक्शन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ रवि बताइए।
तो स्टार्टिंग में सर जो एंड और का बता रहे थे सर, उस टाइम मैं नेटवर्क के इशू वजह से मैं ध्यान देख नहीं पाया था। तो सर वो वन और जीरो वाला सर पार्ट से पूछना था कि सर वन और जीरो जो वैल्यू है सर वो है किस चीज़ की, जो डेटा स्टोर्ड है एंड सर, या फिर कुछ और जिससे डिटरमाइंड होगा कि कौन सी वैल्यू जाएगी एक्यूमुलेटर में। कि डेटा जो है डेटा स्टोर्ड है ऑलरेडी। हम जैसे यस सर। कोई भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एंड ऑपरेशन जैसे परफॉर्म करना है फॉर एग्जांपल, एंड एंड ऑपरेशन जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो आर के साथ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये अज्यूम करते हैं कि जैसे एक्यूमलेटर है तो एक्यूमलेटर में 8 बिट का डेटा होगा, तो हम अज्यूम कर ले रहे हैं कि ये डेटा स्टोर्ड है एक्यूमलेटर में 8 बिट का डेटा। और ऐसे ही जो रजिस्टर है जिस रजिस्टर से ऑपरेशन करना है हमको, उसमें भी कोई डेटा स्टोर्ड होगा, तो वो भी हम मान लेते हैं कि मान लीजिए ये डेटा हो गया जो रजिस्टर में स्टोर्ड। अब इसमें एंड ऑपरेशन होगा, ये ऑलरेडी स्टोर्ड डेटा है फॉर एग्जांपल की आर और ए में। अब जब हम इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे जहां पे 1 1 है सर वहां पे 1 होगा और बाकी सब 0 हो जाएगा सर। जहां पर ये वन वन है एंड ऑपरेशन में, वहां पर वन आ जाएगा, और जहां पर भी दोनों बिट्स वन नहीं है वहां पर 0 आ जाएगा। ये 0 हो जाएगा, ये वन, ये 0, ये वन, ये 0, ये 0, और ये भी 0। तो अब ये रिजल्ट आ जाएगा, दिस रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। ओके ठीक है, सेम जो है बाकी आपको और एक्सॉर का ऑपरेशन पता ही है, इसी तरह से उनमें ऑपरेशन होता है। सर। यस सर। ओके सर। स्टूडेंट्स पहले अटेंडेंस हम ले लेते हैं, उसके बाद फिर रिज्वाइन करके ब्रांच ग्रुप को डिस्कस कर लेंगे। अटेंडेंस कॉल कर रहे हैं, आप लोग रिप्लाई कर दीजिएगा। रोल नंबर 58 प्रेजेंट सर। 59 प्रेजेंट सर। 60 60 नहीं है, 61 प्रेजेंट सर। 61 प्रेजेंट। 62 प्रेजेंट सर। 63 प्रेजेंट सर। 64 प्रेजेंट सर। 65 यस सर। 66 प्रेजेंट सर। 67 68 69 यस सर। 70 प्रेजेंट सर। 71 72 प्रेजेंट सर। 73 74 प्रेजेंट सर। 75 76 प्रेजेंट सर। 77 78 79 प्रेजेंट सर। 80 प्रेजेंट सर। 81 82 प्रेजेंट सर।
83. Present, sir. 84. Present, sir. 85. Yes, sir. 86.86, 87, 85, present sir, 95, present sir, 96, 97, present sir, 98, yes sir, 99, 100. 101, 102, 103, 104, yes, sir, 105, present, sir, 106, yes, sir, 107, 108. Yes, sir. 109. 110. Present, sir. 111. Present, sir. 112. Present, sir. 113. Present, sir. 114. Present, sir. 115. Present, sir. 115. Absent call करेंगे. अगर कोई present है तो बताएं. Sir, roll number. Sir, roll number 60 present. Roll number 60. And sir, yes, 75. Sir. 75. Sir, 78. 67, sir. 78. 92. Yes, sir. 92. 67. 67. और भी कोई है? ठीक, फिर भी एक बार absent roll number सुन लीजिए. 68. 71. 73. 77, 81, 86, 87, 93, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 102 present, 103, 107, 109. हेलो सर. हाँ सर, मैं 21 को प्रेजेंट था सर, मेरी अब्जन लगी हुई है. कब कब की बात कर रहे हैं राहुल? राहुल अपना इशू मैसेज कर दीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है. स्टूडेंट्स आप लोग रिज्वाइन कर लीजिए क्लास, तो उसके बाद फिर हम ब्रांच ग्रुप स्टार्ट करते हैं. 5 मिनट रह गए हैं, फिर दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा. तो आप लोग, हम क्लास एंड कर दे रहे हैं, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए फिर से.